नमोस्तु महाराज श्री, इक्ष्वामी महाराज श्री। मेरा प्रश्न है कि साइकोलॉजी में कहते हैं कि हमें अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना चाहिए, अन्यथा वह आघात के रूप में संग्रहित हो जाता है। लेकिन जैन धर्म में हमें हर स्थिति में स्थिर व समान रहने को कहा जाता है और भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे कर्मों का भी बंधन होता है। तो महाराज जी, इसमें हम कैसे अपने भावों को समान बनाए रखें और कर्मों से, मतलब कर्मों की भी बंधन ना हो? देखिए, बहुत अच्छी बात है। साइकोलॉजी में ये कहा गया है कि हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देना चाहिए, लेकिन अगर साइकोलॉजी को और आगे देखा जाए तो ये भी कहा है कि हमें अपने भावनाओं में निखार लाना चाहिए, उसका उदात्तीकरण करना चाहिए, उसमें सब्लिमेशन होना चाहिए। कहा है कि नहीं कहा? हाँ महाराज जी, है ना। तो जैन धर्म भी ये कहता है कि भावनाओं को व्यक्त करने की जगह भावनाओं को विशुद्ध बना। क्या बना? विशुद्ध। भावनाओं को विशुद्ध बनाने का मतलब क्या है? भावनाओं का उदात्तीकरण करो, क्रोध की भावना को क्षमा में कन्वर्ट कर दो। समझ गए? अब क्रोध की भावना और क्षमा की भावना दो भावनाएं, एक हमें परेशान करने वाली है और एक हमें आनंद देने वाली। एक में कर्म बंधने वाला है और एक में कर्म कटने वाला है। दोनों भावनाओं को समझते हैं? अब गुस्सा आया तो गुस्सा कर लो, नहीं, अपने संस्कारों को ऐसा परिवर्तित करो कि गुस्सा आए तो क्षमा का भाव भी तुरंत आ जाए। अपने भाव की दशा को मोड़ लो। जैन धर्म ये नहीं कहता कि भावों को दबा के रखो, गुस्सा आया तो अंदर बिठाए रखो। जैन धर्म ऐसा नहीं कहता, और यदि ऐसा किसी ने कहा है तो उसकी समझ की कमी। जैन धर्म ये कहता है कि गुस्सा आए तो उसे क्षमा में परिवर्तित कर दो। समझ गए? यही तो परिवर्तन है। भाव को विशुद्ध करने का प्रयत्न ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि और साधना है। समझ गए? तो हम डायरेक्शन चेंज करें, समझे, उसको हम विशुद्ध बनाने का प्रयत्न करें। अपने जीवन के अनुभव को देखो, गुस्सा आ रहा था और तुरंत हमने अपने मन को मोटिवेट किया, खा मखा गुस्सा करने से क्या फायदा, जिस बात को लेकर हम गुस्सा कर रहे हैं उस बात का कोई मतलब नहीं। वो हमें लग रहा है कि उसने हमारी बात नहीं सुनी, लेकिन सुनी तो थी पर कर नहीं पाया। हमारे अंदर इतनी सी सोच आई, हमने थोड़ा सा पॉजिटिव अपने आप को बनाया और मैं छोड़ो इसको, इग्नोर करो, लिव इट, और हमने उसको क्षमा कर दिया। अब बोलो, गुस्सा का वेग बचेगा क्या? क्या आ गया? बोलो, क्षमा भाव। तो हमने क्या किया, क्रोध को दबाया या क्रोध को क्षमा में बदला? बोलो, क्रोध को दबाओगे तो बदला का भाव आएगा और क्रोध को बदलोगे तो क्षमा का भाव आएगा। तो बदलाव, भावना को दबाने की जगह भावनाओं में बदलाव लाना, भाव को शुद्ध बनाना हमारा लक्ष्य है।